बारे में, इन तीनों में फ़र्क क्या है? 10 कंप्यूटर्स आप जोड़ते हैं वो हमारे मैन में मेजर एरिया नेटवर्क किंग बन जाता है। और ऐसे ही जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है, यानी 0 to infinity अगर हम लें, सॉरी इन्फिनिटी का साइन थोड़ा गलत हो गया, तो वो हमारी वाइड एरिया नेटवर्किंग में आ जाती है। अब नेटवर्किंग करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या होता है, यानी नेटवर्किंग के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो नेटवर्किंग के जो कंपोनेंट होते हैं वो कुछ इस तरह से है। जैसे सबसे पहले नेटवर्किंग के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारा है हब, या हम बोल सकते हैं स्विच, या हम कह सकते हैं इसको राउटर। ये तीनों का ही अलग अलग फंक्शन है, वो नेटवर्किंग की जो नेक्स्ट आपकी हब की क्लास होगी उसमें आपको समझाया जाएगा। थर्ड हमारा पास है NIC, ये आपको कल भी बताया था, नेटवर्क कार्ड होता है, और या फिर हम बोल सकते हैं लैन पोर्ट या लैन कार्ड। फोर्थ जो है केबल, जो हमारी नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है, मीडियम बोल सकते हैं इसको, केबल मीडिया, UDP केबल के बारे में कल आपको थोड़ा सा बताया गया होगा। लास्ट है टोपोलॉजी, यानी कि नेटवर्किंग में पीसीज, यानी जो हमारे कंप्यूटर हैं उनको जोड़ने का तरीका जो है वो हमारा कैसा है, वो टोपोलॉजी होता है। सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर के बारे में, और ये हब वगैरह ऐसे ही डे बाय डे आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताई जाएंगी। तो कंप्यूटर भी हमारे पास इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक है हमारा सर्वर और दूसरा है क्लाइंट। आज हम बात करेंगे सर्वर के बारे में कि सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर में बेसिकली उसका काम क्या होता है। सर्वर वैसे तो कई बच्चों को नाम से ही पता चल जा रहा होगा, सर्वर मीन्स टू सर्विस देने वाला, जो कि सभी तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने क्लाइंट्स को। ये सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, क्लाइंट का मतलब जैसे कि कस्टमर जो सर्विस लेने के लिए आते हैं, और सर्वर मीन्स टू जो भी आप मतलब सर्विस उसको प्रोवाइड करा रहा है वो हमारा सर्वर होगा, उस क्लाइंट को जो भी सर्विस दे रहे हैं। सर्वर को हम मेन पीसी भी बोलते हैं, जब सर्वर टू नेटवर्किंग सर्वर टू क्लाइंट की नेटवर्किंग करते हैं सर्वर को हम मेन पीसी भी बोलते हैं, मेन पीसी। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाई होती है काफ़ी, जैसे कि क्लाइंट जो हमारे स्मॉल हो सकते हैं, जैसे सपोज मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक हमारे सिस्टम है, ये इसके साथ CPU लगा है। अब इसके बाद एक हमारे पास यहाँ पे हब होगा जिसकी वायर इसमें आएगी, और फिर आगे जो हमारे सिस्टम होंगे वो इससे जुड़ते जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक CPU बनाया। इनके साथ CPU नहीं होता, इनके साथ छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं जो कि इनके पीछे लगे होते हैं, जिसमें हम कीबोर्ड माउस वगैरह जोड़ सकते हैं। अब हब से वायर इनके अंदर आती है। अब जो भी है हमारे क्लाइंट हैं, ये हमारा सर्वर है, ये सारी की सारी सर्विस की जो डिमांड है वो इनसे करते हैं। एक सेकेंड जरा, हाँ जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जो ये क्लाइंट होते हैं वो सारे के सारे सर्वर से अपनी सर्विसेज की डिमांड करते हैं, और सर्वर जो है वो आगे इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम सिर्फ सर्वर के बारे में पढ़ेंगे। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक हाई कॉन्फ़िगरेशन PC होता है जिसके अंदर ज़्यादा रैम, ज़्यादा हार्ड डिस्क और अच्छा OS सिस्टम लगा होता है, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकें। और ये सभी तरह के रिसोर्सेज को संभालता है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको संभालेगा ये। जैसे कि मान लेते हैं एक सिस्टम जिसका, अब जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था सबने, एक टीचर है जो और स्टूडेंट्स जो हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है।
अब टीचर जो है उसकी नॉलेज ज़्यादा होती है तभी वो स्टूडेंट्स को पढ़ा पाता है, अदरवाइज़ वो उसको पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट जो होते हैं वो उससे सर्विस लेते हैं और टीचर जो है वो सारी की सारी सर्विसेज उनको देते हैं, जो भी वो समझना चाहते हैं वो उन्हें बताते हैं। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा पूछ रहा था। तो सर्वर जो है वो हमारा क्लाइंट्स को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग में, अब सर्वर जो है कौन कौन सी सर्विसेज देता है वो बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले होती है हमारी फाइल सर्विसेज, सेकंड है प्रिंट सर्विस, थर्ड इज मैसेज सर्विस, फोर्थ इज एप्लीकेशन सर्विस, और फिफ्थ है हमारी डाटाबेस सर्विसेज। अब ये सर्विसेज में क्या फ़ायदा होता है, जैसे फाइल सर्विस है इसके द्वारा क्या होता है, सर्वर से क्लाइंट के बीच में फाइल का आदान प्रदान होता है, इससे फाइल को आसानी से मूव किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में डाला जा सकता है, तो उसके लिए हमारी जो सर्विस काम करती है वो करती है फाइल सर्विस। उसके बाद जो सेकंड हमारी आती है प्रिंट सर्विस, इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी क्लाइंट को किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट देना पड़ जाए तो वो क्लाइंट प्रिंट सर्विसेज के द्वारा अपनी कमांड दे सकता है और फिर सर्वर उसको फुलफिल करके प्रिंट की कमांड जो वो एक्टिवेट करता है और प्रिंटर जो वो हमें प्रिंट आउट देने लग जाता है। सेकेंड जो है वो हमारा मैसेज सर्विसेज है। अब मैसेज सर्विसेज क्या होता है कि इसके द्वारा आप अपने टेक्स्ट यानी कि जो भी रिटर्न वर्क है उसको आप आपस में शेयर कर सकते हैं, ग्राफिक्स को आपस में शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को ऑडियोस को आपस में शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली व्हाट्सएप वगैरह पे भी करते होंगे। तो वो मैसेज सर्विस के द्वारा सर्वर जो है क्लाइंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन या फिर जो डाटा है वो प्रोवाइड करवाता है। फिर आती है हमारी एप्लीकेशन सर्विस। एप्लीकेशन सर्विसेज में जितने भी सर्वर के अंदर एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे भी वो काम करना चाहता है क्लाइंट, वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सर्वर से जब डिमांड करता है तो एप्लीकेशन सर्विसेज काम करती हैं और वो उसको जो भी एप्लीकेशन चलाना चाहता है क्लाइंट वो प्रोवाइड करवाती हैं। फिर हमारे पास आखिरी में आती है हमारी डाटाबेस सर्विसेज। डाटाबेस सर्विसेज क्या होती हैं, सर्वर जैसे कि कोई भी डाटा जब हम शेयर करते हैं तो बीच में इंक्रिप्शन यानी कि सिक्योरिटी या फिर कोई भी ऐसा डाटा लीक ना हो जो कि नहीं शेयर करना, तो इसमें क्या होता है सिक्योरिटी का एक ऑप्शन होता है जो डाटाबेस के द्वारा चलता है। अब डाटाबेस में हम किसी भी जैसे डिस्क होती हैं लोकल डिस्क CDE, तो उनमें से किसी को भी अगर हम लॉक करना चाहते हैं सर्वर की ताकि क्लाइंट उसको ना देख सके तो वो डाटाबेस सर्विसेज के द्वारा पॉसिबल किया जाता है। आज सिर्फ इतना ही कराएंगे और बाकी जो ये अपनी सर्विसेज हैं ये आगे की क्लासेज में पूरी तरह से डिस्क्राइब की जाएंगी। अब जैसे जो हमारा अगला टॉपिक है क्लाइंट वो कल बताया जाएगा, उसके बाद जैसे जो मैंने कंपोनेंट बताए डे बाय डे वो सारे कंपोनेंट बताए जाएंगे।
तो अगर अभी सर्वर के बारे में किसी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आज क्वेश्चन में जा करके पूछ सकता है, कोई भी चीज़ रह गई हो तो वो पूछ लेना, तो वो नेक्स्ट क्लास में समझा दी जाएगी। थैंक यू सो मच आज के लिए सर।